अगर आपकी मेष राशि है तो कैसे रहेगा आपका मार्च? क्या कुछ आपके मार्च की महीने में होने वाला है? कैसी एनर्जी रहने वाली है? क्या एंजल्स मैसेज है? क्या डिवाइन आपको ब्लेसिंग देने जा रही है? तो ये सब कुछ हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर कार्ड कुछ कुछ ना कुछ एनर्जीज लेकर के आता है, कोई ना कोई गाइडेंस लेकर के आता है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ है आपके लिए मार्च के महीने में एरीज के लिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा एरीज के लिए क्या कुछ है। मैं राशि वालों के लिए क्या डिवाइन देना चाहती है? इस मार्च की एनर्जी क्या रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए? फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द व्हील का कार्ड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चेंजेस आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा पड़ाव जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, एक बड़ी मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते थे, आप जो चाहते थे कि ये हुकुम का इक्का आपको मिले, ये बेटर चेंज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड, यस कुछ तो चेंज कर रहे थे। द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स एंड लास्ट वन हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स। बॉटम में है टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस की एनर्जी हैंगमैन एंड टू ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप किसी ना किसी लिहाज से आप कोई वर्क कर रहे थे जिसमें आपको कुछ डिसअपॉइंटेड एनर्जी आपकी दिख रही थी, आप निराश थे। कुछ लोगों के काम बहुत समय से रुके हुए पड़े थे। साझेदारी में अगर आप बिजनेस में स्टार्ट करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं उस बिजनेस का आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है। लाइफ आपकी बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। अब चीज़ें आपकी फेवर में आ रही हैं, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जॉयनेस आ रही है। और नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी एनर्जी जिसको आप फाइट कर रहे थे, जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे, विश लगा रहे थे कि ये काम हो जाए, कोई ऐसा गोल जो आप शायद 3 साल से या 4 साल से आप वेट कर रहे हो, या 3 महीने से आप उस चीज़ों के पीछे लगे पड़े थे, मुझे यहाँ 3 साल की भी एनर्जी लग रही है, तो वो विश आपकी यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ भी हैप्पीनेस है, यहाँ भी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। बस न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट करके चलना है। अगर ये नए लोग, नए जो रिस्क हैं, इनको एक्सेप्ट कर लोगे तो यहाँ जॉयनेस की एनर्जी आपकी लाइफ में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हैं, सबसे पहले चारों कोनों से आपकी खुशियों की आगाज हो रही है। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल डेक में और द वर्ल्ड की एनर्जी में फोर एंजल्स कॉर्नर में हैं। तो यहाँ पे चारों कोनों, चारों दिशाओं से आपके लिए ब्लेसिंग भरे रह सकते हैं। कुछ चीज़ों में जो आपने हायर एनर्जी अपनी लगाई हुई थी या हायर गोल सेट किया हुआ था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को बिजनेस में प्रॉफिट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है। सडन एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा, या जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, जॉब लग सकता है। कुछ लोग मैरिज के लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मैरिज की चाहते थे, 3 साल से वेट कर रहे हैं अपनी परफेक्ट लाइफ का, तो यहाँ पे वो परफेक्ट लाइफ की पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आपके यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए मेष राशि के लिए। और कुछ एनर्जीज क्या है मेष राशि वालों के लिए? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कोई ना कोई ऑफर्स तो आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है? ऑफर्स आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सडन चीज़ें आपकी लाइफ में जंप करेंगी, एक क्वांटम शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है। बस अपने इंट्यूशन पर ऐसे ही फोकस करना है, आगे बढ़ते रहना है अपनी लाइफ की सक्सेस में। एक छलांग है, एक ट्रस्ट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रस्ट यहाँ पे आपका रिवाइव होते हुए दिखाई दे रहा है, एंजल की ब्लेसिंग भी दिखाई दे रही। हर्मिट मोड का कार्ड है अगला, हर्मिट स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड, लास्ट वन आपका। तो सबसे पहले या नाइन ऑफ कप बॉटम में, तो कोई बड़ी विश, जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, सुकून आ रहा है। जहां अभी तक कि आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको ठग रहे हैं, आपको इमोशनली चीट कर रहे हैं, आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो अब आप अपने एक कंट्रोलिंग नेचर में आ रहे, एक पावर आपकी हाथों में आ रही है, जहां आप लॉजिकल होकर के एक माइंडेड पर्सन होकर, जैसे लोग आपके साथ माइंडेड होकर के गेम खेल रहे थे, आप वैसे ही उनके साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, टिट फॉर टैट अपनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कुछ चॉइसेस आपकी लाइफ में आएंगी, जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। वहाँ पे अपने इंट्यूशन को पावर में लेकर के आना है। दुर्गा माता की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत बड़ी रहने वाली है, तथा अकेलापन जो आपके ऊपर हावी हो रहा था, कहीं ना कहीं अब आप अपने आप पर विश्वास कर पाएंगे। अभी तक आपने अकेलेपन में बहुत सी चीज़ें गंवाई थी, तो वहीं अब अकेलेपन का आप यूटिलाइज करना सीख रहे हो। आप किसी लर्निंग प्रोसेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ लर्निंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आपके लिए मार्च में एक साइन बन रहे हैं कि आप उसमें भी स्टेप लोगे। हो सकता है कि बहुत से लोग इसमें टेरो कार्ड सीखना चाहते होंगे, तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे टेरो कार्ड्स की सीखने में भी, लर्निंग में भी टैप करना चाहते हैं, या मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते थे, तो यहाँ पे वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिखाई दे रही हैं। बस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने अग्रेशन को कंट्रोल में करना है, जो कि आपका यहाँ पे अग्रेशन कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल करके अपने जीवन को आगे की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप सक्सेस के रास्ते पे हो, आप जिस रास्ते पे दौड़ लगा रहे हो वो सक्सेस की ओर आपको लेकर के जाएगा, ऐसा विश्वास बना के रखना है। भले ही आप अभी अकेले चल रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे, बहुत सारे फॉलोअर्स, ठीक है, बहुत सारे लोग, कम्युनिटी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। बस करना क्या है, अपनी पर्सनल पावर पर ऐसे ही क्लेम करना है, अपनी पर्सनल पावर को पर डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर पूर्णता विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। चलिए कुछ और आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, कुछ एंजल मैसेज मेष राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, कुछ एंजल मैसेज, डिवाइन क्या मैसेज करना चाहती है, आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है मार्च के मैसेज, मार्च के महीने में मेष राशि वालों के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है अर्थ एंड ग्राउंड। अर्थ एंड ग्राउंड का कार्ड्स का मतलब ही है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में और भी फोकस करना है, ग्राउंडेड रहना है, अपने अग्रेशन को और ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे अग्रेशन है और उसको आप कंट्रोल करते हुए दिखाई भी दे रहे हो। तो बस अपने अग्रेशन को और भी ज़्यादा कंट्रोल करना है। ईजी एंड ग्रेस, तो यस, सारी चीज़ें ईजली हो जाएंगी, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है अपनी विशेष की तरफ। जो आपका है वो आपको मिल करके ही रहेगा, वो कहीं नहीं आपसे जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पावर और इंटेंशन। पावर और इंटेंशन, अपने वर्किंग को और भी मजबूत करना है और अपने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना के रखना है। जितना अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना के चलोगे, उतनी ही जल्दी लाइफ में जो आप चाहते हो वो कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है आपका करेज एंड ब्रेवरी। हर चीज़ संभव है, बस आपका थोड़ा सा पावर लगाना है, थोड़ा सा करेज दिखाना है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेकर के आना है, जो कि ये कार्ड ऑलरेडी कह रहा था। और दुर्गा माता की आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है। रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को और हाई लेकर के जाना है। जितना ऊंचा अपने स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को लेकर के जाओगे, उतनी ही लाइफ में आपको सक्सेस मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस
करना क्या है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी पर्सनल पावर के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो यस मेष राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।